ब्रजेश जी, मैं आपके पास जरा एक चीज समझ लूं, क्योंकि देखिए एक चीज जो आम आदमी पार्टी का कहना है और एक एक जनरल नैरेटिव भी है कि ये बीजेपी ने इलेक्शन को गुजरात के साथ किया, लेकिन बीजेपी भी तो वहां इलेक्शन लड़ रही है, बीजेपी के लिए भी गुजरात को रिटेन करना उतना ही जरूरी है। तो अगर उसके पास भी भाई उनके जो भी स्टार कैंपेनर हैं, जो भी लोग हैं, वो सब लोग गुजरात में लगे हुए हैं, तो उनका अगर मान लीजिए इलेक्शन साथ में एमसीडी का भी हो रहा है तो उनकी ताकत भी तो बटेगी। केवल ये कहना कि केवल आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी और बीजेपी उसको मैनेज करेगी, ठीक है, किसी भी जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको ये एडवांटेज तो रहेगी कि उसको 2 दिन पहले पता लग जाए या 10 दिन पहले पता लग जाए या 2 महीने पहले पता, लेकिन एंड ऑफ द डे इलेक्शन के लिए तो सब लोग तैयार ही थे। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन डेट क्लैश हो रहे हैं, मतलब क्लैश इन द सेंस के साथ में हो रहे हैं गुजरात इलेक्शन से, इसमें भी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी या बीजेपी के? ब्रजेश जी नमस्कार जी, मैं इस मामले में मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो मैन पावर स्ट्रक्चर, जो वर्कर्स का स्ट्रक्चर है, वो इतना बड़ा है। आम आदमी पार्टी का उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत छोटा है। वो दिल्ली जैसे छोटे प्रांत में थी, अभी नया नया उन्होंने पंजाब में जीता है, वर्कर्स बाकी जगहों का भी इन्होंने बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। जो वर्कर्स हैं इनके बहुत, उनका एक लेवल अभी ऐसा नहीं है, उनकी पहचान ऐसी नहीं है कि उनको दूसरे स्टेट में भेज करके उनसे प्रचार करा जाए। कार्यकर्ता तरह जाके काम तो कर सकते हैं लेकिन वो लीडरशिप का काम नहीं कर सकते। इनके पास लिमिटेड लीडर है जो चेहरे जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिनकी दिल्ली से एक पहचान मिली है, उन लोगों को वहां भेजना पड़ता है, उन्हीं लोगों को आगे दिल्ली में भी प्रचार करना पड़ेगा। बीजेपी के पास मल्टी लेयर लीडरशिप है, नेशनल है, स्टेट लेवल पे है, एक स्टेट नहीं कम से कम आधा दर्जन स्टेट में ऐसे रहता है, जाकर के वहां गुजरात में प्रचार करें तो जो है दिल्ली के लोगों को वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। मुझे तो लगता भी नहीं कि दिल्ली में कोई ऐसा नेता है आज की डेट में जिसको इन्हें जरूरत हो कि गुजरात में जाके प्रचार करवाएं, वो दूसरे स्टेट से उनका काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली के लोग केवल दिल्ली म्युनिसिपैलिटी का अपना चुनाव संभाल लेते, यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए, उसमें भी उनको दूसरे स्टेट से हो सकता है लोगों को बुलाना पड़े। तो उनके पास मल्टी लेयर सुविधा है, सीमित संसाधनों में आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो मैन पावर के लिहाज से भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए मैनेज करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का एक जो एक प्रवाह है, जो काम करने का तरीका है, जो उनका संगठन की मजबूती है, वो निश्चय ही दूसरी पार्टियों से ज्यादा अच्छी है, बेहतर। मैं दो बातों में अब थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, आगे सर्वेश जी और जगदीश जी बताएं इस मामले में। म्युनिसिपैलिटी में भ्रष्टाचार, म्युनिसिपल बॉडीज जितनी है देश में, ज्यादातर जगहों पर म्युनिसिपल बॉडीज में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, और शायद चूंकि आम आदमी का सीधे यहाँ पर काम होता है, वन टू वन काम होता है, इसलिए यहाँ के भ्रष्टाचार लोगों को खलते जाता है। फाइलों में जो भ्रष्टाचार होते हैं, जो सरकारी खजाने से लूट होती है, आम आदमी केवल खबरों तक से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब आम आदमी की जेब से भ्रष्टाचार का कनेक्शन हो जाता है, जब कोई काम कराने जाता है और अपनी जेब से पैसे निकाल देता है, चाहे 500 रुपए देता है, चाहे 5,000 देता है, चाहे 50,000 देता है, उसकी जो दुष्प्रचार या कहिए उसका पब्लिक में जो उसका इंपैक्ट होता है, वो ज्यादा निगेटिव दिखाई देता है। जिन्हें सारे जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है किसी भी स्टेट के हों, उनकी बदनामी भ्रष्टाचार के मामले में होती है, निश्चय ही दिल्ली भी इसका कोई अपवाद नहीं। मैं दिल्ली के तमाम इलाके जानता हूँ, जगदीश जी तो उस सिस्टम का हिस्सा रहे, बहुत करीब से अंतर बाहर की स्थितियां देखे हैं, और बियॉन्ड द पार्टी, ऐसा नहीं जो सत्ता में वही दिल्ली के पार्षद भ्रष्टाचार कर रहा, जो सत्ता में नहीं है उनका पार्षद जीता हुआ तो भी भ्रष्टाचार कर रहा अपने तरीके से, अपने लेवल। लोगों के जो कभी कह रहे थे सर्वे जी, आप सही बात है कि घर पर ईंट गिरती है, कोई कंस्ट्रक्शन करना होता किसी पार्ट में, तो अगले 2 घंटे के अंदर म्युनिसिपैलिटी का कोई ना कोई आदमी आकर के वहां चक्कर लगा जाता है कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हो, रोड किसे मटेरियल गिराए हुए हो, और वो लोकल पार्षद की नॉलेज में जानकारी में आता है। ब्रजेश जी, लोकल पार्षद की रोशनी नहीं होती है, ब्रजेश जी इसको हाँ। सुन के कम से कम नॉर्थ इंडिया का किसी भी व्यक्ति को अचंभा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कहीं हाँ, भी गिरती है। मतलब ये चीजें जो है, अब लोगों ने मान लिया है कि जेब में पैसा नहीं है तो म्युनिसिपैलिटी में कोई भी आए ठीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी ये परख नहीं हुई है तो ऐसा दावा कर सकती है क्योंकि प्रेशर है। लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो बारी बारी से सब जगह पर सत्ता में रही है, वो दावा भी नहीं कर सकती, उनके पास कभी चांस नहीं है। इनके पास चूंकि कोई पिछड़ा रिकॉर्ड नहीं है, एमसीटी में दावा कर सकते हैं मैं जाकर भ्रष्टाचार बिछा दूंगा, लेकिन
मैं जानना चाहूंगा, आज भी दावे से नहीं कर सकते कि हमारे जितने पार्षद वहां जीत के गए हैं आम आदमी पार्टी के, सब बेहद ईमानदार है, वो भी किसी न किसी लेवल पर कर रहे हो। तो ये चीजें ठीक है, आप इशू बनाएंगे, लोगों के पास बात जाएगी, भ्रष्टाचार की बात लोगों के दिल में यहाँ छुट्टी है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम ऐसे इशू है। भ्रष्टाचार के बावजूद भी अगर शहर के हालात नहीं सुधर रहे हैं, सड़कें नहीं ठीक हो रही है, लोगों के काम टाइम से नहीं हो रहे पैसा देने के बाद भी, तो लोगों का इरिटेशन बनता है। 15 साल से बीजेपी म्युनिसिपलिटी म्युनिसिपल उसमें है, निश्चय ही मैं मानता हूँ म्युनिसिपल का यहाँ जो चुनाव म्युनिसिपलिटी नगर निगम का, उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर बीजेपी के लिए फायदेमंद होता रहा, क्योंकि वहां लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं कोई पहला चुनाव लड़ी, पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार मतलब प्रदेश की सरकार होते हुए भी चुनाव लड़ी थी और सत्ता में नहीं आ पाई, वही वोटर थे जो आपको विधानसभा में चुनाव जिता के लाए थे। इस बार ऐसा क्या बदल गया पिछले 5 साल में कि आम आदमी की बीजेपी की तुलना में या कांग्रेस की तुलना में भी मैं कहूँ तो आम आदमी पार्टी को चुनेंगे और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाएंगे, वो कौन से पॉइंट है सर्वे जी अगर इसमें कोई बताना चाहें। जगदीश जी से डब्बी जब्बी बारी है आपकी बात, जगदीश जी मैं एक बात और जानना चाहूंगा, आप सिस्टम में चुकी रहे हुए चुनौतियां इस वक्त बीजेपी के सामने भी नहीं, पहले अच्छी पहले मेरे क्या ब्रजेश जी एक एक से आप जवाब लेते जाए, चलिए तब करें क्योंकि एक साथ हो जाएगा। चाहूंगा क्यों भ्रष्टाचार किसी को लगा, आखिर ऐसा कौन सा मैं